तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं यानी स्वीट कॉर्न की चाट। ये किसको नहीं पसंद, यानी ये सबको पसंद होती है स्वीट कॉर्न की चाट। तो आइए ना टाइम वेस्ट करते हुए इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं आपको जैसे पता है स्वीट कॉर्न की चाट। तो सबसे पहले ये मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, ये मैंने एक बाउल ले लिए हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो अब ये मैंने पानी बॉईल कर लिया है, यानी मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। तो ये अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इनको केवल 5 मिनट ही बॉईल करूंगी मैं, ज्यादा इनको बॉईल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, यानी आप देख सकते हैं यानी हमारे कॉर्न से अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इनको छान लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने वापस से पैन ले लिया और पैन के अंदर यानी एक टुकड़ा मैं ये मक्खन का डाल रही हूँ, यानी ये 1.5 चम्मच होगा। और इसको अच्छी तरीके से हम पिघलने देंगे, यानी वैसे ही हम टेस्टी कॉर्न बना रहे हैं जो हमें मॉल्स में या फिर हम थिएटर में जाते हैं जब हमें खाने के लिए मिलते हैं। तो वो आप घर पे भी बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मक्खन हमारा पिघल गया है, थोड़ा सा रह गया। इसी तरीके से हमें ये स्वीट कॉर्न डाल देने हैं, यानी जो मैंने छान लिए थे, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है कि जो हमारा बटर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। तो बस आप इस तरीके से लगातार इसको चलाते रहें। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, यानी मक्खन हमारा अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर हम ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे, यानी सारे ही स्वीट कॉर्न डाल देंगे। अगर आपको सारे खाने हैं तो आप डाल दें, यानी आपके घर में जितने मेंबर हैं, नहीं तो आप इस तरीके से रख भी सकते हैं और फिर जब भी कोई खाए तो आप इनको मिला के दे सकते हैं, जो भी अभी मैं मसाले डालूंगी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1/2 छोटी चम्मच नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ यानी चाट मसाला। और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये नींबू का रस और इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे, यानी हमारी स्वीट कॉर्न चाट बनके बिल्कुल रेडी है जो हमें मार्केट में मिलती है। इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। तो आप जब भी मन करे आप ये घर पे बना के दे सकते हैं। तो अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी कर दी है प्लेटिंग, यानी जैसे हमें थिएटर में मिलता है ये पेपर कप में। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि हमें मिलता है, और ये खाने में तो बहुत टेस्टी और यमी होता है। मुझे और मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है, जब भी हम मॉल्स में या थिएटर में जाते हैं तो ये खाते जरूर है। तो आप इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरे स्वीट कॉर्न की चाट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें।